ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम जोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होता है? अगर हम बेसिकली सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट एक प्रोडक्ट होता है जो हमें अपटेन होता है, और सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि सॉल्ट क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है। और एक और हम बात करें यदि, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे एसीटेट। सो एसीटेट की अगर हम बात करें तो CH3COO-, ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। सो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आयन्स के, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स होता है कि जब हमारा एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्ट तो यहाँ पर बन गया हमारा, और वाटर भी बनता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, HCl हमारा एसिड है और NaOH के हमारा बेस है। सो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो Na और Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। और OH और H आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। तो जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर कंसेप्ट भी है, जैसे मेटल ऑक्साइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो भी क्या होता है? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड की जगह आप CaO ले लीजिए, और एसिड की जगह पर आप H2SO4 ले लीजिए। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो CaSO4 हमारा बन जाएगा सॉल्ट, प्लस वाटर हमारा अलग हो जाएगा H2O, तो क्या बना लेंगे? ये H2 बना लेंगे। सो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? मेटल ऑक्साइड और एसिड भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करते हैं। देन हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करें तो क्या होगा? सो एसिड और मेटल भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। देखिए, हमने आपको यूजेस ऑफ जिंक में बताया था कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। देन इसके अलावा हमारे पास कंसेप्ट आता है कि बेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो बेस भी यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास बेस क्या है? तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बनाता है और H2 हमारा वाटर फॉर्म होता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने टाइप के होते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट हमारे पास कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारे सॉल्ट के टाइप्स हैं। सो इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल में। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।